वास्तव में ये जो रक्षाबंधन हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है, इस अवसर पर जो भाई बहन रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की को रक्षा करने का वचन भी देता है, यह स्नेह का, प्यार का, आशीर्वाद का, रक्षा के बाधे का, बंधन का है। हमारी परंपरा हमें सिखाती कि सभी कल्याण हो और सभी स्वस्थ और सुखी रहे। वास्तव में ये पावन पर्व हमारी महान संस्कृति के गरिमामय उत्कर्ष का प्रतीक भी है, जो बहनों के प्रति भाइयों के उत्तरदायित्व के संकल्पों को सुदृढ़ बनाता भी है। आप सब लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना के वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। इस कोरोना काल में बहनें विचार कर रही होंगी कि यह त्यौहार कैसे मनाया जाए, क्योंकि यह त्यौहार रक्षा का त्यौहार है। अतः हम इस अवसर पर कोरोना वायरस से रक्षा करने का संकल्प लें, कोशिश करें। ये सभी लोग जानते हैं, सब एक दूसरे कहाँ की भीड़ भाड़ जगह में ना जाए, आपस में मिलते समय मास्क लगाएं और जरूर उपयोग करें उसका। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि त्यौहार का उत्साह कम ना होने दें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, लेकिन उत्साहों में सावधानी बरतने की भी बहुत ज़रूरत है। बाजार खुलेंगे, हम त्यौहार की तैयारी के लिए खरीदारी करेंगे, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान हमें रखना होगा। आज के समय में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, प्रशासन के लोग हैं, सैनिक, सभी बहुत मेहनत और सबकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमें कई मुसीबतों का सामना करवाएगी, और आप सब खुश रहें, हम सब चाहते हैं आप सब प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और यह वायरस जो दिखता नहीं है, लेकिन हम सबको इससे लड़कर जीतना है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, जान है तो जहान है, तो वास्तव में सही है। मैं यहाँ पर सारे लोगों को यही कहती हूँ कि इस समय, शुरू में तो जब लॉकडाउन था तो लोग जरा डरे हुए थे, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोग भूल गए, लेकिन ये कोरोना, मैंने कहा ना कि दिखता किसी को दिखता नहीं है, कब किसके माध्यम से और जिस जो व्यक्ति हम मिल रहे हैं उसे भी पता नहीं रहता है कि उसे कोरोना है। और इस समय हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क लगाए, सावधानी से रहे। मैंने यहाँ की बहनों के लिए जो राखी ट्राइबल बहनों ने बनाई थी, मैंने राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है, और बहुत सुंदर उन्होंने गोबर से बनाई है। लोकल से वोकल की ओर, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से उनकी कल्पना साकार होगी। आप सब लोगों के सहयोग से हम ये कर पाएंगे।